वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। कोरोना वायरस के चलते पिछले दो वर्षों से जहां गणपति लंबोदर भगवान के भक्त उनकी पूजा पाठ और सेवा से वंचित हो चुके थे, इस वर्ष में लोगों ने जमकर सारा कोर कसर मिटाया, भक्ति भाव से अपने 9 दिन को पूरे किए और यूं व्यतीत हो गया मानो भगवान श्री गणेश जी स्वयं घर में आकर विराजमान हो गए। हर तरफ हर्षोल्लास दिखाई दे रहा था, गाजे बाजे के साथ लोग नाचते गाते 9 दिनों को व्यतीत कर दिए। पूजा पाठ हवन आरती यूं बीत गया मानो गणेश जी यहां पर पधार चुके हैं। और आज 9 तारीख को भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करना था। इसके पहले से रात तक जो 8 तारीख की रात बीती, सभी भक्त बाकायदे पूजा अर्चना आरती महाआरती के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया और लोगों ने जमकर नाचा गाया। और इसके साथ साथ सूरत में तो इंद्रदेव ने भी कृपा करते हुए भारी बारिश का संयोग बैठाया और भारी बारिश हुई। इसके साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा आज 9 तारीख को यानी शनिवार को भगवान श्री गणेश जी को विसर्जन करने के लिए भक्त ले जाते रहे। अब सूरत ऐसे में पीछे रह कैसे सकता है? सूरत के वासी सदैव देशभक्ति, मानवता और मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य करने में सदैव अग्रणी रहे। भारत का इतिहास रहा है और सूरत के जो ट्रस्टी समाज के सेवाभावी लोग थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से प्रसाद का वितरण किया। तमाम भक्तों की भारी संस्थाओं ने हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर प्रसाद का व्यवस्था किया। कहीं पोहा और छाछ तो कहीं शरबत, कहीं किसी प्रकार का प्रसाद तो कहीं किसी प्रकार। यथाशक्ति और सद्भावना रहित अपनी जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने अपने तरफ से भक्तों को प्रसाद खिलाया और सभी को सद्भावना सहित पूजा अर्चना में भाग लिया, आरती की और भगवान श्री गणेश जी की अंतिम विदाई करते हुए लोगों ने प्रणाम किया और लोग खुशी खुशी जाकर के भारी मन से, फिर भी भारी मन से भगवान श्री गणेश जी को विसर्जित किया। देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और बने रहे हमारे